उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद से सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज इस बात का फैसला हो चुका है। ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर मोहर लग चुकी है। तो कौन बना है ग्रुप का उत्तराधिकारी, चलिए वीडियो में जानेंगे। उद्योगपति रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। आज 11 अक्टूबर को मुंबई में उत्तराधिकारी योजनाओं पर चर्चा की गई और इसके बारे में एक मीटिंग की गई। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर की शाम को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद से सबकी निगाहें टाटा ट्रस्ट के भविष्य के लीडरशिप पर थी। ऐसे में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो थे उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जिनकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आखिरकार उनके नाम पर मोहर भी लग गई है। नोएल टाटा फिलहाल सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो टाटा ट्रस्ट के अंडर आने वाले अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। इन ट्रस्ट का न केवल टाटा ग्रुप के परोपकारी कार्यों में अहम योगदान है, बल्कि इनकी टाटा सन्स में भी बहुत हिस्सेदारी है, जो कि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 0.83% की सीधी हिस्सेदारी थी। उनकी ज्यादातर व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण इस हिस्सेदारी से हुआ था। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में अब टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप की कारोबारी रणनीति में टाटा ग्रुप की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। टाटा ट्रस्ट ने टाटा ग्रुप के संचालन में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नोएल टाटा की अगुवाई में भी ये प्रभाव जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। टाटा ग्रुप की मौजूदगी 100 से ज्यादा देशों में है और 2023-24 में इसका कुल रेवेन्यू 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। ये ग्रुप देश भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। नोएल टाटा के पास ग्रुप के उत्तराधिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है और टाटा ट्रस्ट की अगुवाई में ग्रुप की भविष्य की दिशा पर उनकी पॉलिसीज और नजरिए का महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं नोएल टाटा आखिरकार है कौन। तो जैसा आपको बताया कि नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। वो नवल एच टाटा और सिमोन एन टाटा के बेटे हैं। टाटा इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नोएल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो टाटा ग्रुप से 40 सालों से जुड़े हुए हैं और टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। वो ट्रेंड टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। साथ ही नोएल स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हैं। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने ब्रिटेन के ससेक्स यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जो कि टाटा ट्रस्ट में पहले से ही शामिल हैं। नोएल टाटा की उम्र 67 साल की है और अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। यानी कि आखिरकार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के पद के लिए उत्तराधिकारी की तलाश जो शुरू हुई थी, नोएल टाटा के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। 40 सालों से ज्यादा वो टाटा ग्रुप से जुड़े रहे हैं और अब ग्रुप की बागडोर नोएल टाटा के हाथ में ही होगी। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।